Our top story, Yoga Guru Ramdev's comments against Congress Vice President Rahul Gandhi have led to an uproar in political circles and the Dalit groups. An FIR has now been lodged against Ramdev, but the Election Commission has failed to rein in Ramdev. लड़का जो है वो देसी से शादी नहीं कराना चाहता, हनीमून करने के लिए पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। फर्स्ट द बिलो द बेल्ट बॉब स्पार्किंग डिसफ्यूरा अमंग दलित ग्रुप्स एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। भारत सरकार के एससी एक्ट और केंद्र सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून के तहत इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करा के इन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जहां इनकी असली जगह है। सर्टेन ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया है जिस बेसिस पर आईपीसी के सेक्शन 171 जी के तहत रिपोर्ट की गई है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। Immediately followed by a red-faced, hasty dismissal and a sheepish retraction. ये सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टैंड के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। उतना ही हमारा कहने का अभिप्राय था। फिर भी यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। But while FIRs have been registered, the incident has brought into focus the EC's inability to rein in the yoga guru because he does not come under the model code of conduct. Ramdev is neither associated with any party formally nor is he a poll candidate, thus giving him an escape route. And while he may be kept out of campaigning in Lucknow, for how long will the poll panel's limited sphere of authority allow him to launch these personal attacks elsewhere? Bureau Report, Headlines Today.